नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मेरठ में स्कूली छात्रों ने शिक्षिका को आई लव यू कह दिया। परेशान शिक्षिका ने थाने में तीन छात्रों के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। शिक्षिका का आरोप है कि स्कूल में 12वीं के छात्र काफी दिनों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। कभी क्लास में तो कभी सड़क पर आते जाते छेड़ते हैं, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मामला किटोर थाना क्षेत्र के इनायतपुर का है। सीओ किटोर सुचिता सिंह ने बताया, टीचर की शिकायत पर तीनों आरोपी छात्रों पर एक्ट उल्लंघन और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रों से पूछताछ की जा रही है, वही आरोपी की बहन से भी पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। सीओ का कहना है कि प्रिंसिपल के साथ पुलिस टीम की बैठक करेगी, यह तय किया जाएगा कि स्कूल में मोबाइल फोन बैन किए जाए, बच्चों की छुट्टी के समय ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई जाए जो महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले गलत हरकत पर नजर रखे, छात्रों के लिए एक सेशन रखा जाए और उन्हें कार्रवाई के नियमों के बारे में बताया जाए जिससे कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक इंटर कॉलेज राधना स्कूल की शिक्षिका का आरोप है कि स्कूल में 12वीं कक्षा के तीन छात्र काफी दिनों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। कभी क्लास में तो कभी सड़क पर आते जाते उसे छेड़ते हैं, कभी आई लव यू बोलते हैं तो कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षिका ने पुलिस को बताया, अपशब्द बोलने पर कई बार छात्रों को रोका समझाया, मगर इन तीनों छात्रों ने छेड़खानी करते हुए एक वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। इसकी जानकारी बृहस्पतिवार को हुई। शिक्षिका ने बताया कि इस वीडियो को बनाने में आरोपी छात्र की बहन भी शामिल है। शुक्रवार को शिक्षिका किटोर थाने पहुंची और छात्रों के खिलाफ शिकायत की। तीनों ही 12वीं कक्षा के छात्र हैं। शिक्षिका ने कहा कि उनसे कई बार इन छात्रों को समझाए कि उसे परेशान ना करें, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मानते, अपनी गरिमा में रहे। शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से वह तनाव में है। छात्रों की इस हरकत से सामाजिक पारिवारिक जीवन भी खराब हो रहा है। शिक्षिका ने तीनों छात्रों और छात्र की बहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तीन लड़के और एक लड़की है जिसके जो FIR में नामजद किया गया है महिला के द्वारा, और इसमें मुकदमा 25/11 को ही दर्ज कर दिया गया था और आगे की कार्रवाई थाने द्वारा की जा रही है। जब स्कूल में बच्चे आते हैं सुबह के टाइम पे ड्यूटी लगाई जाए ताकि जब महिलाएं या बच्चियां बाहर निकलती हैं तो ऐसे लड़के उन्हें परेशान ना करें, और एक जो जितने भी स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल्स के साथ एक बैठक भी की जा रही है कि स्कूलों में एक तो मोबाइल फोन्स अलाउड ना हो और इस तरह के जो भी हो रहा है ये इस पे भी प्रतिबंध लगे, और लड़कों को खासकर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो जिसके थ्रू उनको ये बताया जा सके कि इस तरह की कोई भी चीज़ स्कूल के अंदर ना हो।